हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस ज्ञान ग्रेविटी चैनल पे। इस वीडियो में आपको आयु संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में क्या है, क्वेश्चन क्या है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है 20 वर्ष पूर्व। 20 वर्ष पूर्व मतलब 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, क्या है पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए इस तरह की क्वेश्चन में आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं, 2 गुनी पुत्र की आयु 2 गुनी है, 3 गुनी है, 4 गुनी है, तो वर्तमान आयु क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करिए, ज़्यादा दिमाग ना लगाते हो, सिर्फ ऑप्शन पे ध्यान दिया करिएगा। ऑप्शन से ही आप लोग सॉल्व करने, अपने मन से कुछ भी नहीं बना सकते कि मात्रा माना कि पिता की आयु 1 से पुत्र की आयु 1 है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, ऑप्शन पे ही ध्यान दीजिए, क्योंकि 4 ऑप्शन है तो 4 में से कोई एक तो रहेगा ही। तो चलिए देखते हैं 4 ऑप्शन में से सबसे पहले लेते हैं सी को। सी को लेकर बनाते हैं 54। तो मानते हैं पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है, तो मान लेते हैं पिता की आयु कितनी है 52 वर्ष। तो पुत्र की आयु पिता की आयु 52 है तो पुत्र की आयु इससे आधी होगी, क्योंकि लिखा है पुत्र की आयु से दुगनी है। तो 52 वर्ष का आधा कितना हो गया 26, कितना हो जाएगा 26, कितनी पुत्र की आयु, पुत्र की आयु 26। और फिर बोलते हैं 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। 20 वर्ष पूर्व तो मान लेते हैं अभी पिता की आयु 52 वर्ष है, तो 20 वर्ष पूर्व की आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष, इसमें 20 माइनस करेंगे 52, 42, 32, तो पिता की आयु हो जाएगी 32 वर्ष। तो पुत्र की आयु जो 26 थी 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 16, 6, 6। तो क्या लिखा, 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। तो अब पुत्र की आयु 6 वर्ष है तो इसके 12 गुना मतलब 6 गुना 12 करेंगे तो 32 आना चाहिए, तो नहीं आएगा 12 छक्का 12 5 60 12 छक्का 72, तो ये गलत है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा। हम मान लेते हैं 32 मान लेते हैं कि इसके पिता की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी इसके आधा है, तो 32 के आधा कितना हो जाएगा 16। ठीक, क्योंकि बोला है पुत्र की आयु से दुगनी है, तो देख पुत्र की आयु 16 है तो इसकी दुगनी 32 वर्ष पिता की आयु। अब बोलते हैं 20 वर्ष पूर्व, तो पिता की 20 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी 22 है 22 12, तो 12 वर्ष। और पुत्र की आयु 20 वर्ष, तो ये तो 16 ही वर्ष है, तो 20 वर्ष मतलब ये पैदा ही नहीं हुआ था, ये अभी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, 2 ऑप्शन गलत हो गए। जल्दी से देखते हैं थर्ड ऑप्शन है 44 वर्ष। अब मान लेते हैं पिता की आयु 44 वर्ष, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी इसका आधा है, 44 का आधा कितना हो जाएगा 22। ठीक, कितना हो जाएगा 22 किसका, पुत्र की आयु। ठीक, पुत्र की आयु 22 मान लेते हैं। अब बोलता है 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी, तो 20 वर्ष पूर्व मतलब पिता की आयु अभी 44 है, तो 20 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी इसकी, इसमें 20 माइनस करेंगे तो 44 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 24। ठीक, अब 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु 24 वर्ष हो गई, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो इसमें 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 वर्ष। ठीक, अब देखते हैं 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी हो जाएगी, मतलब पुत्र की आयु में 12 का गुना करेंगे तो कितना पिता का आयु आ गया, तो 12 गुने 24, ये आ जाएगा 24, तो मतलब आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक, उसी तरह ऑप्शन डी को भी निकाल लीजिए, उसको चलिए आप खुद निकालिए। तो इस तरह के जितने भी ऑप्शन आते हैं, याद रखिएगा 2 गुने वाले ऑप्शन, 2 गुने और 3 गुने, 2 गुने 3 गुने, ये जितने भी ऑप्शन आते हैं और पूछा जाता है इसमें वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु पूछा जाता है, तो इसमें आपका क्या करिए, सबसे पहले आप सिर्फ सिर्फ ऑप्शन तरफ ध्यान दीजिए, ऑप्शन से ही फट से बन जाएगी, इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो ऑप्शन में ही ध्यान दीजिएगा। अगर अनुपात वाला आता है 1:2:3, तो इसमें हम लोग मानना एक्स और वाई मान के बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।